दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में खेला हो गया और किसने खेला कर दिया? संजय राउत के बेहद खास अरविंद सावंत ने। और बड़े हिसाब से आपको बता रहे हैं, शिवसेना को यूबीटी को निपटाने का इन लोगों ने, एमबीए में आपसी लड़ाई निखर के आ गई और इस समय उल्टे सीधे बयान आने लगे जो कि बुरी तरह से महाविकास आघाड़ी पार्टी हार रही है। आप देखिए अरविंद सावंत ने क्या बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना में शामिल होने वाली पूर्व भाजपा नेता साहिनी एनसी को आयातित माल, बताइए कितनी गलत बात कही, कितनी गलत, इंपोर्टेड ये कहना कितनी गलत, आयातित माल कहकर विवाद खड़ा कर दिया। एक समझदार आदमी जो कहता हम बुजुर्ग हो गए हैं, 45 साल हमको राजनीति में करते हो गया है, वो बूढ़ा आदमी, बुढ़ा आदमी अगर इस तरह से किसी लेडी को कहेगा तो कितनी भद्दी बात है। ये कल्चर हो गया इस समय महाआघाड़ी पार्टी का, आपको बता रहे ये कभी नहीं था। कभी मातोश्री में आरोप नहीं लग पाया, जब से बाल ठाकरे साहब एक्सपायर हुए हैं, राज ठाकरे इस घर से बाहर आए, राणे जी बाहर हुए हैं, तब से आपको बता रहे हैं जो गर्मा बाल ठाकरे जी ने बनाई थी वो तार तार कर दी। आज अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को घर से बाहर निकाल देते, खास तौर से अरविंद सावंत को, संजय राउत को। संजय राउत ने जिस तरह से इनके बयान को समर्थन दिया, आज पूरे महाराष्ट्र में पोजीशन है। ये क्या हो गया, कौन सा कल्चर आ गया है उद्धव की पार्टी में, ये कौन सा कल्चर है कि इस तरह के बयान, आयतित बयान, जहां पे महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान देते थे, महिलाओं के सम्मान के लिए बाल ठाकरे का जन्म हुआ था, मराठा सम्मान के लिए, पहले महिलाओं के सम्मान था उनके आगे। और यही नहीं, वो कह रहे हैं कि साइना एनसी को आयतित माल कहकर विवाद में खड़ा कर दिया। सावंत ने, अरविंद सावंत ने मीडिया से बात करते हुए यह भी टिप्पणी की कि उन्होंने शिवसेना नेता की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह पूरी जिंदगी भाजपा में नहीं है, अब उन्हें देखिए, हमारी यहाँ आयतित माल नहीं चलता, यहाँ केवल असली माल ही चलता है, हमारे पास असली माल है। आप देखिए असली माल, महिलाओं को माल समझते हैं, अपने आगे महिलाओं को माल, ये क्या है भैया, कौन सा कल्चर है। बाल ठाकरे की पार्टी थी ये, उद्धव ठाकरे की, ये उद्धव संजय के उसमें चलता होगा माल, आप महिलाओं को माल कहेंगी, कहेंगे क्या, ये कोई बॉम्बे या कोई शिफ्टिंग वाला वो है, आप महिलाओं को इस तरह कहेंगे, महिलाओं के, इसका मतलब आपका सोच, आपका कर्म और आप किस माहौल पे रहते हैं इस माहौल का। ये भी नहीं, इससे बड़ा बयान खातक संजय राउत ने और समर्थन कर दिया। आप अंदाज लगा सकते कितनी गंदी सोच है ये। आयतित शब्द में मैं बता दूं, नहीं कहना चाहिए, फिराक गोरखपुरी वगैरह नेहरू जी के लिए जब बातचीत होती थी तो मैडम माउंटबेटन के लिए ये चीज़ कह दी जाती थी आयतित, वहां से इस कांग्रेस के कल्चर में आया, शिवसेना के कल्चर में कभी नहीं था। अब उद्धव की जब से दोस्ती हुई कांग्रेस से तो आयतित आयतित शब्द, इसी शब्द ने बिगाड़ दिया है शिवसेना के कल्चर। और देखिए संजय राउत ने क्या कहा है, संजय राउत ने कहा है, संजय राउत का देखिए समर्थन कर रहे हैं, कोई अपमान नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, कोई अपमान नहीं हुआ, मतलब आयतित अगर कह दिया कोई अपमान नहीं, ये आपके घर पे आपके परिवार पे कल्चर होगा। शिवसेना का जो नई शिवसेना यूबीटी, ये शिवसेना का कल्चर नहीं था, ये उद्धव ठाकरे आपके खेमे का होगा। आगे क्या कह रहे हैं संजय राउत, कोई अपमान नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है, संजय राउत ने कहा कोई अपमान नहीं हुआ, अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, क्या कह रहे हैं, वरिष्ठ हैं, मतलब वो कह सकते हैं,
उन्होंने बस इतना कहा है कि मुंबा देवी से भाजपा उम्मीदवार साइना एनसी बाहर से आई हैं और वह एक आयतित माल है। बार बार उसी बात को कह रहे हैं, आयतित माल मतलब समर्थन कर रहे हैं। अगर वह एक आयतित माल है तो यह महिलाओं का अपमान कैसे है? ऊपर से कह रहे हैं अपमान कैसे, बाहर का माल है। देखिए माल है, आप कल्चर देखिए, महिलाएं पूरी महाराष्ट्र नहीं पूरे देश की आक्रोशित हैं, पूरे देश की। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले इनको पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ था भोपाल में, महिलाओं ने कहा था यहाँ से निकलना नहीं, तब से संजय राउत उधर से जाता नहीं है। देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि आयतित माल है वह तो महिलाओं का अपमान कैसे है, बाहर का माल है तो बाहर का माल है, माल है। देखिए बदतमीजी देखिए कितनी बड़ी। और अपने सोनिया ये कह रहे हैं, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? पूरी महाराष्ट्र की महिलाएं इस समय आपको बता रहे हैं इतने आक्रोश में, उन्होंने कह दिया रुक जाओ, अभी मैं अपनी उंगली, मैंने सिर्फ उंगली दिखाई है इनको, और अभी मैं ईवीएम में उंगली लगा करके और इनको दिखा दूंगी कि इनको पहुंचा दूंगी, बाद में इनको मैं देखूंगी। ये महिलाओं का, महिलाओं में इतना, अब आपको बताना है कि पूरी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं उनका अपना कल्चर रहा, त्याग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक एक से एक बड़े, बाल ठाकरे जैसे महान लोग पैदा हुए हैं महाराष्ट्र की धरती से। महिलाओं के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ सम्मान दिया, आज भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं शिवाजी महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, कितना सम्मान। अगर हारी हुई सेना की अगर महिला होती थी तो कह देते थे मेरी माँ है। और ये क्या कह रहे हैं, आयतित माल, मतलब विपक्ष विरोधी के भी उसको आयतित नहीं कहा। पूरी महिलाओं ने तय कर लिया है कि मैं अब इनको हैसियत दिखला दूंगा चुनाव पे। पूरी महिलाएं नाराज हैं, इस बयान ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को पलट दिया है। पूरी पूरी महाविकास आघाड़ी की हारती हुई सरकार को एक लंगड़ी और मार दी, जिससे पाला छूना तो दूर रहा, उसके पहले ही आपको बता रहे पूरा महाआघाड़ी का आंदोलन ही स्लो हो गया। और देखिए यही नहीं, आगे ये क्या कह रहे हैं संजय राउत, अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि वो बाहर से आया है, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संजय राउत जी अपना एक सफाई दे रहे हैं, ये संजय राउत जो हैं अपनी सफाई दे रहे हैं। आज महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं, अब आपको बता रहे हैं इनके खिलाफ FIR हो गई है अरविंद सावंत के खिलाफ। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में धारा 79 धारा 356 दो के तहत महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की गई। कौन कौन धारा है? 79, 356(2) चुनाव आयोग में भी शिकायत कर दी गई है, महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। आपको बता रहे हैं दुनिया की कोई ताकत इनको जेल जाने पे नहीं जा रोक सकती है अरविंद सावंत को। इसके अलावा आपको बता रहे हैं संजय राउत भी बुलाए जाएंगे, ये नियम है जो महिला आयोग का और ख़ास तौर से चुनाव आयोग का, कि अगर किसी ने किसी बयान को गलत ढंग से समर्थन किया। दूसरी जो FIR में धारा 79, 356 से उसमें भी है कि अगर आपने गलत बयान महिला को दिया गया, आपने समर्थित किया, तो आप भी उतने बड़े दोषी पाए जाएंगे। अब क्या है, हकीकत ये है कि महाविकास आघाड़ी में ना उनका कोई तीनों का नेता है, ना उनका कोई मुख्यमंत्री तय हुआ, ना उनके विचार है, ना एक रूपता है, ना ही पार्टी में, तीनों पार्टियों में आपसी नेताओं में एकता, खूब उठा पटक है। और वो चुनाव तो हार ही रहे हैं, इस कारण भी उनका आप समझ लीजिए कि मानसिक संतुलन इस समय गड़बड़ाया हुआ है, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इन बयानों से क्या है, जनता का आक्रोश है, जनता से हट करके वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि शायद कुछ राजनीतिक रूप में कुछ पा जाए, क्योंकि आम जनता तक वो अंदर जा नहीं पा रहे। पब्लिक में बहुत आक्रोश है, खास तौर से शिवसेना UBT के लिए, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों से हट गए।
वही आपको बता रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के साथ ये ना उनके साथ सिंबल रह गया, ना पार्टी रह गई, ना ही पार्टी का झंडा रह गया, ना पार्टी का नाम रह गया, वो सब भाजपा के गठबंधन के साथ हो गया, अजीत पवार के साथ चला गया। शिवसेना का यही था, बाल ठाकरे का पूरा कैडर सब कुछ चला गया शिंदे के साथ। और तीसरी बात जो सबसे मेन बात रही, वहाँ बाल ठाकरे के रूप को या वहाँ पर जो पहले नेता हुए हैं उन नेताओं के उसमें अगर किसी की छप जा रही हो तो देवेंद्र फडणवीस की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के उभरने से, आम जनता को उनके पास सहानुभूत होने से, आपको बता रहे महाराष्ट्र का बिल्कुल एक क्लियर कट हो गया है कि वहाँ पे हवा जो है वो भाजपा समर्थित उनके मोर्चे की ओर बढ़ गई। आप देखिए, यही नहीं, साइना एनसी ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। और साइना एनसी ने ये भी कहा है कि महिला आयोग ने भी लिया, चुनाव आयोग ने भी लिया, उस पर कार्रवाई शुरू होने जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि यह महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, महिलाओं के वस्तु के रूप में पेश करना और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना कोई छोटी समस्या नहीं। उनके इस बयान पे महाराष्ट्र भर की महिलाएं कह रही हैं, ये जिस समय शिवसेना की सरकार आई है और किसकी, उद्धव ठाकरे की, जब से गठबंधन हुआ कांग्रेस से तब महिलाओं का सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई, सबसे ज़्यादा बदनामी हुई। ये लोग महिलाओं के प्रति बड़े गंदे विचार रखते हैं, महाविकास आघाड़ी का, ये महाराष्ट्रीयन महिलाओं का कहना है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है सच्चाई वीडियो में सबके सामने आ जाएगी, लेकिन यह मानसिकता और विकृत मानसिकता साफ दिखाई दे रही है। ये बात साइना एनसी ने कही। उन्होंने ये भी कहा है कि नागपाड़ा पुलिस थाने में सेक्शन 79/356 के तहत मुकदमा हो गया, इन लोगों की गिरफ्तारी। ये डर गए, संजय राउत डर गए, इस अपने बयान देने के बाद संजय राउत छिप गए हैं और साथ में अरविंद सामंत भी भाग चुके हैं बिल्कुल चुप। अब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, माफ़ी मांग ली। संजय राउत भी इसमें मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, गलत बात का समर्थन किया था, कह रहे थे इसमें गलत ही क्या है, वो आयातित माल है। संजय राउत ने ये भी कहा था यहाँ इम्पोर्टेड नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ये संजय राउत, देखिए शब्द सुनिए, ये राजनीति, ये संसद के लायक है लोग, इम्पोर्टेड नहीं, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता, महिलाओं के लिए माल कह रहे हैं। अमीन पटेल ही ओरिजिनल उम्मीदवार हैं। अरविंद सावंत ने साइना एनसी पर लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी, अभी तुरंत माफ़ी मांग ली, चूँकि जान गए उनकी अरेस्टिंग हो जाए। मगर आपको बता रहे कि संजय राउत पे भी तलवार लटक गई है, इनको भी बुलाया जा सकता है और खड़ा किया जा सकता है पूछताछ के लिए। ये अब आपको बताना है कि ये पहला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिसंबर 2021 को दीप्ति रावत के लिए बहुत गंदा बयान दिया था इन लोगों ने। दीप्ति रावत भारद्वाज के लिए दिल्ली में मोंडवली थाने में 500-509 का मुकदमा इनके संजय राउत पे लगा था, संजय राउत पे। यही नहीं, इसके पहले भी संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेघा पर बहुत ही गंदे आरोप लगाए थे। तो आपको बता रहे 15 दिन की इनको जेल हुई थी, संजय राउत को, जो समर्थन में पट से कून पड़े हैं। और आपको बता रहे मध्य प्रदेश में 9 अक्टूबर 2024 को महिलाओं ने, पूरे प्रदेश की महिलाओं ने जा करके वहाँ ज्ञापन दिया था, कहा था कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ आए ना, इसको अरेस्ट करके लेके आइए, इसने गलत अफवाह उड़ाई है लाडली बहना के लिए। ये बात बाकायदे FIR की थी। यही नहीं, ऊपर से अरविंद कह के आ रहे हैं इतने बूढ़े हो गए हैं ये रावत जी, ये संजय राउत जी और साथ में वो सावंत, अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं, मेरी दोस्त है साइना। अरे तुम 70 साल से ऊपर हो, तुम्हारी दोस्त कहाँ से हो गई, तुम और किसी एक बड़ी लीडर है, तुम्हारी पार्टी की मुखिया, तुम्हारी अगर हिम्मत है तो उसको कहो तुम दोस्त, कह के दिखाओ, तुम उसको दोस्त भी अब कह रहे हो कि अरे मेरी दोस्त है ये, कितने ऊपर से तुम बुजुर्ग भी बन रहे हो बहुत बड़े, वो दोस्त भी बदला रहे। यही नहीं, आपको बताने संजय राउत ने ये पहला बयान नहीं, तमाम जगह
आपको बतलाना है, नहीं कहना चाहिए। चलिए दिग्विजय सिंह की कोई बात नहीं, एनडी तिवारी की कोई बात नहीं, शशि थरूर की कोई बात नहीं, राहुल गांधी कह देते हैं, चलिए ये बड़े लीडर हैं, तुम भी ये सब कहने लगे। और हो क्या, संजय राउत के बारे में अभी शिवसैनिकों ने मातोश्री में कल और परसों स्पष्ट कहा है, परसों नरसों, कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का कोई भी मतभेद हो वो लोग बोले, संजय राउत नहीं बोलेगा, ये यूबीटी के नेताओं ने कहा था, ये फिर बोल पड़े, हर जगह बोल दिए। यूबीटी के शिवसैनिकों का कहना है कि संजय राउत जो हैं यही सब कुछ करा रहे हैं, ये व्यक्ति जो है उद्धव का कर्मचारी है, ये यूबीटी शिवसेना से कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस साइना एनसी के लिए ये कह रहे हैं, उनके फादर शेरिफ रहे हैं, नाना चौदासमा जी शेरिफ रहे हैं, अपने दम पे रहे हैं, हिंदुस्तान की मानी हुई शख्सियत है, संजय राउत जैसे नहीं, किसी पार्टी में वर्कर के रूप में, ऑफिस बेरर के रूप में हैं ये, और उनके जिनकी ये बेटी है तो उनका अपना एक कैरियर है। ये भी यही नहीं, महाराष्ट्र के लोग ये भी कह रहे हैं, मीरा रोड में जो कांड हुआ, भिंडी में, तमाम जगह जो ये हुए, इसमें संजय राउत की भूमिका सबसे गंदी रही, सबसे गंदे बयान रहे। यही नहीं, इन्होंने आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में मंडी से जीती सांसद के लिए भी बहुत गंदे बयान दिए थे, उसके घर में तोड़फोड़ कराई थी, किन्होंने, संजय राउत ने। संजय राउत हर जगह कूद जाने पर सारे लोग वहाँ कह रहे हैं, महाराष्ट्रियन, तू लंका में क्यों कूदा, ये इनके लिए कहा जा रहा है, संजय राउत के लिए। इस चुनाव में आपको मैं बतला रहा हूं, इस चुनाव में सबसे ज्यादा लोग संजय राउत पे तवाए हुए हैं, संजय राउत पे, कि इस शख्स ने ही आज उद्धव ठाकरे के इस पोजीशन में ला दिया कि आदित्य ठाकरे को आज जीतने के लिए सोचना पड़ रहा, आदित्य ठाकरे का भविष्य और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले का भविष्य आज इन्होंने गलत में ला दिया। दोनों लोगों को चिंता है अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। ये व्यक्ति सिर्फ संजय राउत की वजह से, संजय राउत हर जगह बोल, अब आपको बता रहे हैं महिलाओं ने बहुत तगड़ा जवाब, आपको बता रहे हैं महाराष्ट्रियन महिलाओं ने बड़ों बड़ों को जवाब दिया है, बड़ों बड़ों को, ये महिलाओं का अपमान महाराष्ट्रियन महिलाएँ नहीं बर्दाश्त करेंगी। और आपको बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर इसी मतदान के दिन अपना आक्रोश ईवीएम में शिवसेना और शरद पवार की लॉबी और कांग्रेस के प्रति आम जनता दिखाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।